नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अक्टूबर रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेशवासियों को राहत मिल सकेगी। सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2021 से राज्य में चलाए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। इसमें अब तक 9,11,000 पट्टे जारी किए जा चुके हैं तथा 2628.44 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। जनता में इस अभियान की रुचि एवं उत्साह को देखते हुए इस अभियान की अवधि में 6 माह की वृद्धि की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मिशन 2030 के तहत शनिवार को झुंझुनू के बिसाऊ पहुंचे, जहां उन्होंने 150 करोड़ की लागत की 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की जनहित से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों पर फोकस रखा। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि राज्य की तर्ज पर देश में सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाया जाए। यदि राजस्थान में सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को घोषणा करनी चाहिए कि राजस्थान में अगर भाजपा की सरकार आएगी तो हमारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के नेता यहां आए तो प्रधानमंत्री से पूछ कर आए। राजस्थान पुलिस की नकली महिला उप निरीक्षक के सोशल मीडिया पर ज्वाइनिंग लेटर के साथ वर्दी में फोटो डालने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर नकली महिला उप निरीक्षक ने अनर्गल टिप्पणी भी की है। शास्त्री नगर थाने में नकली महिला उप निरीक्षक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। मामले की जांच SHO किशोर सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि राजस्थान पुलिस अकादमी के संचित निरीक्षक प्रशासन रमेश सिंह मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 11 सितंबर से 23 सितंबर तक सैंडविच कोर्स आयोजित हुई थी। इसमें मोना बुगालिया नाम की महिला ने उपनिरीक्षक नहीं होते हुए भी राजस्थान पुलिस की उपनिरीक्षक की वर्दी व बैजेस धारण कर फोटो खिंचवाने की जानकारी सोशल मीडिया से मिली। आरोपी मोना बुगलिया ने राजस्थान पुलिस के उपनिरीक्षक के बैजेस स्टार व कमिश्नरेट जयपुर का फोर्स कलर भी पहन रखा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार दोपहर बीकानेर पहुंचे। गहलोत की ये यात्रा वैसे तो महज 3 घंटे की थी, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। गहलोत शनिवार की रात बीकानेर में और आज रविवार सुबह वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। MM ग्राउंड में व्यापारियों से संवाद के बाद गंगा शहर में एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। शाम करीब 5 बजे मुख्यमंत्री वापस जयपुर जाने वाले थे, लेकिन बीकानेर विलंब से पहुंचने के कारण उन्होंने कार्यक्रम बदल दिया। परीक्षात्मक नवाचारों के लिहाज से अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों के लिए यह साल बहुत खास होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग CBSE सहित राज्य की सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अहम नवाचार की शुरुआत होगी। यह बदलाव भर्तियों से लेकर नई शिक्षा नीति के चलते लागू किए गए हैं। इन नवाचारों से राज्य के करीब 55 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अभ्यर्थी पहली बार रूबरू होंगे। 1 अक्टूबर को होने वाली RAS 2023 प्री परीक्षा से RPSC परीक्षात्मक नवाचार शुरू करेगा। OMR शीट और पेपर में 5 विकल्प होंगे। कोटा में रिश्वत मांगने के 2 साल पुराने मामले में फरार चल रहे हेड कांस्टेबल को ACB कोटा देहात की टीम ने गिरफ्तार किया। टीम ने लाखेरी थाना में तैनात तत्कालीन हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी हेड कांस्टेबल को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। कोटा देहात ACB DSP विजय सिंह ने बताया कि हरेंद्र सिंह लाखेरी DSP ऑफिस में रीडर के पद पर तैनात था। ट्रैप की कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गया। फिलहाल पुलिस से निष्कासित चल रहा है। ग्राम लबान तहसील इंद्रगढ़ जिला बूंदी निवासी परिवादी ने कोटा ACB ऑफिस में शिकायत दी थी। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। अपनी रेगुलर रिव्यू में सरकार ने विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 12,100 प्रति टन कर दिया है। यह बदलाव 30 सितंबर से लागू होगा। सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स रिव्यू करती है। वहीं सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स को 5.5 प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपए लीटर कर दिया है। एविएशनल टर्बाइन फ्यूल यानी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले तेल पर भी SAED को घटाकर 2.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल के एक्सपोर्ट को इस कैटेगरी से अब भी बाहर रखा गया है।
पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज 1 अक्टूबर रविवार को एक दिवसीय सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे। पायलट अजीतगढ़ में सुबह 11 बजे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पायलट के किसान सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले एक सप्ताह से तैयारी में जुटे हुए हैं। किसान सम्मेलन का आयोजन अजीतगढ़ के खेल मैदान में होगा, जिसमें सीकर, श्री माधोपुर व नीम का थाना से पायलट के हजारों समर्थकों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। सचिन पायलट इस किसान सम्मेलन में सरकार की उपलब्धियों को गिना सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के तहत कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरकारी वेबसाइट, सरकारी भवनों, विज्ञापन पर फोटो एवं संदेश प्रदर्शनी, पानी के टैंकर, एम्बुलेंस वाहनों आदि पर नाम, फोटो एवं संदेश तथा एमपी लेड एवं एमएलए लेड योजना अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न कार्ड, बिजली व अन्य बिल आदि पर, इसी प्रकार किसी योजना अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्य पदार्थ एवं किसी प्रकार की अन्य सामग्री, वस्तुओं पर विभिन्न राजनेताओं के फोटो या नाम हटाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजकोष या लोक निधि से व्यय करके अखबारों अथवा मीडिया माध्यमों पर कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा, जिससे किसी सत्ताधारी राजनीतिक दल का प्रचार हो। यह नियम आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान लागू रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर रविवार को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें प्रदेश के 31 वृद्धजनों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें से 4 अलवर जिले के हैं। इन सब ने अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कार्य किया है, जिसके कारण सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री सूर्यदेव सिंह बारेट, एडवोकेट हरिशंकर गोयल, शिक्षाविद जीवन सिंह मानवी एवं शिक्षाविद सुंदरलाल भटेड़िया को सम्मानित किया जाएगा। सूर्यदेव बारेट कृषि विशेषज्ञ, लेखक, विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनके अनेक लेख हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में उनकी कांग्रेस सरकार के शासन में करीब 5 साल में 4 गुना गति से प्रगति हुई है और अब वर्ष 2030 तक प्रगति की गति को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। श्री गहलोत शनिवार को झुंझुनू के बिसाऊ में लगभग 150 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 11.04 GDP विकास दर के साथ राजस्थान उत्तर भारत में प्रथम और देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 लाख करोड़ हो जाएगी, जिसे वर्ष 2030 तक 30 लाख करोड़ तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। भारतीय रेलवे स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान के तहत रविवार को एक कीर्तिमान रचने जा रही है। देश के 29 स्टेशनों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की 14 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरी साफ सफाई करने का रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रविवार से यह एक नियमित प्रक्रिया के रूप में स्थापित हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से लैंडफिल साइट से कूड़ा खत्म करने के काम में काफी तेजी आई है और तय लक्ष्य से अधिक गति से कूड़ा हटाया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा करके कहा कि पिछले साल मध्य नवंबर में भलसवा लैंडफिल साइट से कूड़ा साफ करने का काम शुरू हुआ था। लक्ष्य रखा गया था कि अगले 18 महीने के अंदर भलसवा लैंडफिल साइट से लगभग 30 लाख टन कूड़ा कम किया जाएगा। 30 सितंबर तक लगभग 14 लाख टन कूड़ा कम करने का लक्ष्य रखा गया था। यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लक्ष्य से कहीं अधिक गति से कूड़ा साफ करने का काम चल रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि पुलिस आंतरिक सुरक्षा के साथ अपराध अन्वेषण की जिस संस्कृति से जुड़ी है, उनको इन पुस्तकों से गहरे से समझा जा सकता है। मिश्र ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर द्वारा प्रकाशित बाल तस्करी और बाल श्रम पुलिस हैंडबुक, भारत और संयुक्त राष्ट्र के आलोक में बदलते संदर्भ और विश्वविद्यालय की 3 वर्ष की उपलब्धियों और किए प्रमुख कार्यों पर प्रकाशित 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण किया। 12 जिले में सोयाबीन की कटाई व थ्रेसिंग के जोर पकड़ने के साथ ही रबी की प्रमुख फसल सरसों की बुआई का दौर भी शुरू हो गया है। सोयाबीन का औसत उत्पादन 16 से 18 क्विंटल तक हो रहा है, जो 2.5 से 3 क्विंटल प्रति बीघा है। कृषि अधिकारियों के अनुसार कई क्षेत्रों में 4 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से भी हो रहा है। किसान मौसम का मिजाज देखते हुए खेतों में थ्रेसिंग के बाद सोयाबीन बेचने के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। व्यापारी जींस में नमी होने से भाव भी कम लगा रहे हैं, हालांकि इन दिनों गत वर्ष की तुलना में यह भाव ठीक है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।